और देखते हैं हकीकत में है क्या इसके अंदर। खोलते ही दोस्तों हम लोगों को मिलता है एक बहुत बढ़िया सा रिमोट का वारी है। देखते हैं दोस्तों ये कैसे काम करता है। बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ स्ट्रोब बोल के मोड है, तो स्ट्रोब जाने से ये ऐसा होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लाइटिंग। लिसन द म्यूजिक बाय स्पीकर। लाइट का मोड मैं चेंज कर रहा हूँ। What's up, beautiful people? I hope के सब ठीक हो। वैसे आप सबको ठीक ही रहे सब। मैं जो दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, तो वेलकम बैक यू पीपल लगे मैं YouTube चैनल। आप सबको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसे इसका पहले वाला ब्लॉग में आपने देखा होगा बहुत बढ़िया सा अनबॉक्सिंग, तो चलिए आज भी हम आपको दिखाते हैं और एक डिफरेंट टाइप का अनबॉक्सिंग। तो चलिए एक बहुत बढ़िया सा LED बल्ब कम स्पीकर का अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। कलरफुल बल्ब है, उसमें रिमोट है, रिमोट से बहुत कुछ चेंजेस वगैरह हम कर सकते हैं कम ब्लूटूथ स्पीकर। तो चलिए खूबसूरत सब प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था flipkart.com से। तो चलिए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग। प्लीज सी द वीडियो टिल एंड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन पता आपको करना क्या है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल लाइक एज क्रिएशन। हे हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हो एक पार्सल आ चुका है, तो ये पार्सल में क्या है हम लोग देखते हैं। चलिए लेट्स ओपन द बॉक्स। फ्लिपकार्ट की तरफ से ये पार्सल आ रखा है, तो चलिए देखते हैं इस पार्सल के अंदर क्या है। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस पार्सल के अंदर दोस्तों जो चीज़ है वो बहुत ख़ास चीज़ है। तो मैंने एक बहुत यूनिक सा प्रोडक्ट मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो वो प्रोडक्ट आज डिलीवर हुआ है शाम में। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें क्या है और आप लोगों को दिखाते हैं इसमें हकीकत में है क्या। तो इसका एक पार्ट मैं खोलने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट अगर खोल दूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें क्या है। तो देखिए दोस्तों ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट है, डब्बा खोलते ही ये हमको मिल रहा है। ये एक LED म्यूज़िक बल्ब है जिसमें इसमें म्यूज़िक भी होता है और ये बल्ब का काम भी करता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसको मैं दूसरे हिस्से से भी खोल दिया, तो खोल के ये डब्बा मैं निकलने वाला हूँ। पीपल कैन सी LED म्यूज़िक बल्ब। इसमें LED लाइट है, प्ले म्यूज़िक, रिमोट है। तो चलिए इसका जो पावर स्पेसिफिकेशंस है एक बार देख लीजिए। वैसे ₹899 का यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन मेरे को ये काफ़ी डिस्काउंट में मिला है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डाल दूंगा, आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना कितना प्राइस है या फिर क्या है नहीं है। ये है डब्बे का चारों तरफ, डब्बे का ऊपर कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हकीकत में है क्या इसके अंदर। खोलते ही दोस्तों हम लोगों को मिलता है एक बहुत बढ़िया सा रिमोट। तो लेट्स ओपन द रिमोट। यप, सो दिस वन इज द रिमोट दोस्तों। दिस वन इज द रिमोट। तो ये इसका रिमोट है। ये रिमोट से इसका सब कुछ चेंज होता है, यू पीपल कैन सी। और ये रिमोट को हम लोग साइड में रखते हैं, रखते हुए जो मेन प्रोडक्ट है उसको निकालते हैं दोस्तों। यू पीपल कैन सी ये है मेन प्रोडक्ट जो मेरे को खोलते ही खुल गया। तो पता नहीं ये क्यों खुल गया, या फिर ये फोल्डेबल है ये, या फिर क्या है आई डोंट हैव एनी आइडिया। लेकिन ये डब्बे से मैंने निकाला तो ये खुल गया, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन डब्बे से निकालते ही दोस्तों ये खुल गया, यू पीपल कैन सी।
तो चलिए ये खुल गया तो एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्पीकर है, इसके अंदर में कुछ LED है और यहाँ पे एक मदरबोर्ड है। देखते हैं इसको हम लॉक कर सकते हैं या नहीं। आई थिंक ये लॉक हो सकता है, शायद प्रेशर की वजह से खुल गया होगा। तो मैंने इसको लॉक कर दिया, अब इसको टेस्ट करने का वारी है। तो देखते हैं दोस्तों ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों वैसे पहले से मेरे पास एक होल्डर है, ये मैं अपने घर में यूज़ करता हूँ। तो ये वाले होल्डर पे हम लोग एक बार चेक करेंगे कि क्या है या नहीं है। तो आपको मार्केट से एक ऐसा होल्डर ख़रीदना पड़ेगा या फिर बल्ब होल्डर में भी यू कैन पुट दिस वन। तो पता नहीं ये मेरे को खुला क्यों मिला, तो चलिए एक बार देखते हैं स्पीकर कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, तो यू पीपल कैन सी ये फिट हो गया। अब इसको प्लग इन करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे हम इसको ऑन, इसको हम प्लग में लगा, यू पीपल कैन सी, तो इसको हम जैसे ही ऑन करते हैं दोस्तों, देखिए क्या होता है। ये ऑन हो गया है और सफ़ेद वाला लाइट ऑन हो गया है और इसका ब्लूटूथ के साइन के हिसाब से एक साउंड भी आ गया है बीप का। तो ये है रिमोट, इसमें से आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। ये जो ऑफ वाला बटन इफ आई प्रेस देन ये बंद हो जाता है, फिर से ऑन वाला बटन इफ आई प्रेस देन ये ऑन हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग एक बार चेक करेंगे इसका कलर्स। तो देखिए आर वाला जब प्रेस करता हूँ तो इट इज़ रेड, और जब मैं जी वाला प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, पीपल कैन सी, यू पीपल कैन सी, जब मैं जी वाला प्रेस करता हूँ तो ये ग्रीन हो जाता है, जब मैं बी प्रेस करता हूँ तो ये ब्लू हो जाता है। और यहाँ पे कुछ कलर्स मोड है, फिर से अगर W प्रेस करता हूँ तो वाइट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ फ्लैश बोल के एक मोड है, तो फ्लैश में ये कुछ ऐसा काम करता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ स्ट्रोब बोल के मोड है, तो स्ट्रोब डालने से ये ऐसा होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लाइटिंग्स। ये और भी अच्छी तरीके से आपको मैं दिखाऊँगा, मेरा घर का जो लाइट है वो अगर मैं एक बार बंद कर दूँगा तो लाइट मैंने ऑफ कर दिया, पीपल कैन सी। अभी इसका फेड मोड जो है तो फेड में डालते हैं। देखिए दोस्तों फेड मोड में ये धीरे धीरे से इसका कलर फेड हो रहा है, कभी ग्रीन हो रहा है, फिर कभी ये ब्लू हो रहा है और कभी रेड हो रहा है। तो वैसे ही लास्ट जो मोड है उसको बोलता है स्मूथ वाला मोड। तो ये स्मूथ वाला मोड I'm going to put. तो देखिए कितना स्मूथली इट इज चेंजिंग, कितना स्मूथली द कलर इज चेंजिंग, राइट। सो ये है इसका मोड, इसका लाइट का जो मोड है। और यहाँ पे काफी सारा कलर्स है, जो आप जिस पे क्लिक करोगे वही कलर ले लेगा। तो चलिए एक बार येलो डाल के देखते हैं, तो येलो भी इसमें काम करता है। पर्पल डालते हैं, पर्पल ले रहा है, ये भी ले रहा है। पिंक डालते हैं, ये भी ले रहा है। डीप ब्लू डालते हैं, ये भी ले रहा है। तो RGB मिक्स है पूरा, ये है रिमोट और ये है लाइट। तो चलिए अब इसका ब्लूटूथ टेस्ट करने का बारी है, तो वो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आफ्टर स्विच ऑन माय ब्लूटूथ आई कैन सी हियर एक डिवाइस मेरे को शो कर रहा है जिसके साथ आई वांट्स टू पेयर। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दिखा रहा है BT1 बोल के, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो गया। अभी यू पीपल कैन सी कि ये कनेक्ट हो गया है, एक बीप भी किया है। अभी वी आर गोइंग टू लिसन सम म्यूजिक बाय यूजिंग दिस वन। तो दोस्तों यहाँ पे आई एम गोइंग टू प्ले अ म्यूजिक। आपका 120 हो गया। मैं गूगल। दोस्तों यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है कुछ NCS का, नो कॉपीराइट म्यूजिक है। ट्राई टू लिसन द म्यूजिक बाय स्पीकर। लायंस
लाइट का मोड में चेंज कर रहा हूँ। दोस्तों या इसका वॉल्यूम में अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये फॉरवर्ड और रिव्यू का ऑप्शन है, और नीचे वाला अगर आप प्रेस करोगे तो साउंड इसका कम होगा ज्यादा होगा। दोस्तों बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों, लाइट कम स्पीकर, इसमें चेंज भी होता है, साउंड भी बढ़ता है, प्ले पॉज का भी ऑप्शन है। ये मैं पॉज कर दिया, फिर से इसको प्रेस करूंगा तो प्ले हो जाएगा, देखिए रिज्यूम हो जाएगा। दोस्तों इसको थोड़ा जोर से प्रेसना पड़ता है, दूसरे प्रेस करना पड़ता है। बहुत बढ़िया यूजफुल से प्रोडक्ट है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो इतना तक ही था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल के इच क्रिएशन। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अच्छा खासा वीडियो के साथ। अगर अभी तक देख रहे हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या फिर कोई भी एंगल से अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल के इच क्रिएशन। एंड हाँ दोस्तों, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन के बगल में जो बेल वाला आइकन है वो दबाने के लिए मत भूलो, क्योंकि वो दबाने से मेरा हर कोई वीडियोस का हर कोई नोटिफिकेशन बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी, जिसे आप मुझे कर पाओगे फॉलो बहुत इजीली। तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक खुश रहो, सुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। इट्स टाइम साइनिंग ऑफ एक इच क्रिएशन। बाय बाय।